हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, बहुत रेस्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पे विराम लग गया था, तो एक बार फिर से हम एक्टिव हो जाते हैं अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है, क्योंकि एक समय के लिए ही आप रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको बढ़ना ही पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब कोई बहता हुआ पानी होता है, वो बहता हुआ ही अच्छा लगता है, अगर वो रुक जाए तो वो क्या बन जाएगी, कीचड़ बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप मेरे कम शब्दों से आपका मैसेज समझ गए होंगे कि आपको क्या बनना है, बहता पानी बनना है या कीचड़ बनना है। अर्थात मतलब शब्दों पे थोड़ा सा इसके समझने की कोशिश करें कि आप पानी की तरह बहते हुए सीखें, मतलब आपके आसपास में रुकावट कुछ भी आए, वो आपको बस बहना है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आपको स्वयं को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना समय व्यर्थ ना करते हुए। और चलिए शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ने ही जुड़े हैं उनके पास ये नंबर नहीं होगा, इस नंबर को सेव कर लीजिए। नंबर को सेव करने के बाद आप आपको अपने PRT, TGT और PGT वाले ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि समय रहते हुए आपको जो यूट्यूब की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली आपके ग्रुप में टेलीग्राम सॉरी हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम लिंक में ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास, सॉरी पहला प्रश्न। अब बहुत हमारा भी रेस्ट हो गया तो बस कुछ कुछ चीजें उल्टे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा, कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, ठीक है, तो एक बार उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर से एक बार। इनमें से कौन सा शब्द धरा, धरा का अनेकार्थी है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा या वायु? तो जो धरा है, ठीक है, धरा आपको पता होगा कि आपने और भी इसके देखे होंगे, अगर हम इसको देखेंगे आप ये अगर भू धरा, ठीक है, और वसुधरा, ठीक, क्लियर। तो ये सब जो है हमारे किसके हैं, ये अनेकार्थी पृथ्वी के हैं। गगन, गगन होता है आपका स्काई से संबंधित, ठीक है, गगन के तो बहुत सारे आपको पता ही होंगे, पहले ही बताए थे आपको। और उसमें थे ना गगन में नब, व्योम, अंबर, ठीक है, वो सब हमारे गगन में आ गए। पृथ्वी का आपको बताई दिया धरा। चंद्रमा के जो ज्यादातर पेपर में पूछाते हैं वो पूछाता है शशांक, ठीक है, शशांक पूछा जाता है ज्यादातर। तो इस तरह के कुछ पर्यायवाची आपको बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे इनके अनेकार्थी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे जो द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन है, वहां पर आप जाएंगे तो ये सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे, डिटेल में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 72 कह रहे कि इनमें से अभिमान शब्द का विलोम क्या है? अपोजिट पूछा है अभिमान का, क्लियर। वज्र, अह, नम्रता या मान? जी, अभिमान का विलोम पूछा है। तो देखिए अभिमान को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अभिमान को इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइड, ठीक है। तो जब प्राइड वाली बातें आती हैं तो हमारे ये व्यक्ति का एक नेचर होता है कि चीज़ का अहंकार का, ठीक। अब जब अहंकार आता है तो एक चीज़ और रखें, एक शब्द और, घमंड, क्लियर। तो ये दो शब्द हैं प्राइड को जो बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अभिमान का अगर हमारा प्राइड है और या फिर हम उसको घमंड की बात कर रहे हैं, तो इनमें से चारों में से विलोम शब्द क्या होगा अभिमान का? जी, अभिमान होगा तो यानी कि आप फिर किसी से गुस्से में बोलेंगे और क्रोधित होके बोलेंगे, और मतलब आप अपने आप को ज्यादा बढ़कर आप किसी के सामने प्रदर्शित करेंगे, तो यानी कि सामने वाले को आप डिमोटिवेट करेंगे, क्लियर। तो ऐसे में अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा? नम्रता, ठीक है, नम्रता इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट है ये अभिमान का, क्लियर। पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान से रखिएगा, आगे भी पूछ सकता है पेपर में, रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको हमेशा बताता हूं
कि जब भी कुछ नहीं वाले शब्द आए तो उनको क्या करें आप, बिल्कुल अच्छे से गोला करके या अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। क्लियर? तो देखेंगे जो कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन है, राजीव, कुवलय, जलद और अंबुज। ठीक है, अंबुज। अब देखिए यहां पर एक शब्द है जलद, ठीक है, जलद। जलद का मतलब क्या होता है भाई, इंग्लिश में बोलते हैं जलद को क्लाउड। अब क्लाउड बोला तो क्या बोल देंगे, बादल। क्लियर? और बाकी जो यानी कि एक ही आंसर होगा, बाकी तो नहीं होंगे। क्लियर? तो यहां पे कुछ बच्चे इसको आंसर कर सकते हैं अंबुज, पर ये मैं आपको बता देता हूं, अंबुज जो मतलब अंबु माने क्या होता है, पानी होता है, पहले भी आपको बताया था, वाटर होता है। ठीक है, और जा मतलब जन्म लेना। ठीक है, तो कौन जन्म लेता है, कमल जन्म लेता है। और भी इसके और भी आते हैं कमल के, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पंकज, ठीक है, जलज। और अगर बादल का ये जैसे ये हमारा बादल का है, अगर ये हमारा इसकी जगह पे दा होता तो हमारा ये बादल बन जाता। क्लियर? अंबुद, जिसके अंदर पानी हो। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न था, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 पर। कह रहा है सकल और शकल, ठीक है, शक्ल नहीं है, शक्ल अलग होता है, ठीक है ना, इसको फेस बोलते हैं, ठीक है ना, ये शकल है, का अर्थ क्या होता है बताइए। कलाकृति, सन संवत, संपूर्ण अंश और सबल और निर्बल। जी, सकल, सकल और शकल अलग अलग शब्द हैं, इनके अर्थ आपको पता होना चाहिए क्योंकि डेली हमारी भाषा में कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल हो ही जाते हैं। जी, सकल, सकल का अर्थ यहां पे देखेंगे, सकल का मतलब ये होता है होल, ठीक है ना, सॉरी होल, ठीक है, सकल का मतलब क्या होता है, होल। तो अब होल जैसा शब्द आपको कहीं पे दिखाई दिया तो हमको यहां पे दिखाई दिया, तो यही हमारा आंसर है। तो आपको एक शब्द और पता लग गया कि अगर शकल का मतलब क्या होता है, अंश, अंश मतलब क्या होगा, पार्ट, किसी चीज का पार्ट, किसी पार्ट, किसी चीज का भाग भी बोल सकते हैं आप। क्लियर हो गई? ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में, लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 75 पे। कह रहे किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला, ठीक है, यानी कि किसी ने उपकार करा है उसकी भी उपेक्षा कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर, उपेक्षा कर रहा है यानी कि उसको भी मतलब उसके एहसान को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसी को क्या कहेंगे, कृतज्ञ, कृतघ्न या अजात शत्रु या दूरदर्शी। बहुत इजी सा प्रश्न का उत्तर है प्रश्न नंबर 75 का, 75 का। देखिए नीचे से शुरू करते हैं, दूरदर्शी क्या होता है, जो दूर का देखने वाला हो, ठीक है, अजात शत्रु क्या हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो। और अब बचे कृतघ्न और कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है, किसी के उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो ना माने है ना करने, यानी कि जो ना माने, अगर मान लीजिए इस तरह है किसी के उपकार को ना मानने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, ना से आप याद रखें, ना मतलब नेगेटिव वर्ड, यानी कि उसके काम को किए किराए पे सब पे पानी फेर दिया। होता है ऐसा हमारे समाज में, हमारे मित्रों में भी एक आधा ऐसा होता है कि आप करोगे बहुत अच्छा और आपको उसके उसके फल में क्या मिलेगा, बुराई मिलेगी। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 पर। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। अब देखिए यहां पर तो लग तो ऐसा रहा है कि तुरंत हम बता सकते हैं जब गंदा मैला देखा तो, पर यहां पे देखिए प्रलय, धवल, पंकिल और पामर, ठीक है, पामर। तो प्रश्न नंबर 76 का अगर आपको अगर याद होगा तो मैं आपको पीछे जोड़ने के लेके चलता हूं। क्लियर, पीछे जोड़ के चलता हूं। आपको मैंने एक शब्द बताया था पंकज, तो पंकज में ये जो पंक है, पंक का मतलब होता है कीचड़, ठीक है, कीचड़, और जा मतलब जन्म लेना। तो पंक का हम देखेंगे, आप यहां पे देखें ना, पंकिल, ठीक है, क्या है, पंकिल, क्योंकि अगर हम जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर, पंकिल, पंकिल बन गया, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पे। कह रहा है जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे होती हैं, क्या होती हैं, संस्कृत शब्द, सभी, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है। जी, जिनके लास्ट में त्र होता है वो कौन से शब्द बन जाते हैं संज्ञाओं के।
जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्जाम्पल, अगर आपको त्र वाले याद नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि देखेंगे पत्र और छत्र, ठीक, और नक्षत्र, क्लियर। और भी लिख सकते हैं आप जो जो आपको याद आए, ठीक है। तो इनसे आप समझ सकते हैं पत्र छत्र नक्षत्र, जब इनको आप देखेंगे तो किस तरह के शब्द बनेंगे, संस्कृत शब्द बन रहे हैं, सभी, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो देखेंगे यहां पर ये वैसे तो संस्कृत शब्द बन रहे थे, पर यहाँ पे आंसर जो है हमारा सभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि या तो स्त्रीलिंग शब्द होगा या पुल्लिंग शब्द होगा, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दीबाजी में उत्तर करने में क्या होता है, नुकसान हो जाता है, प्रश्न समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। धैर्य रखें, आप धैर्य नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग का बोध कराता है, अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। बहुत आसान आसान शब्द है, अपराध, अपराध अपराध किया जाता है, ठीक है, अपराध हो गया, अपराध हो गई नहीं। अध्याय, अध्याय पढ़ा जाता है, ठीक है। स्वदेश, स्वदेश लौटा जाता है, ठीक है, स्वदेश, क्लियर, अपना देश, स्वदेश। स्थापना, स्थापना किसी चीज की होती है। तो देखेंगे आप यहां पे आपको कहां मिला उत्तर, आपका ऑप्शन डी में। जब भी आपको ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप उसको अपने मन के अंदर क्या करें, उसमें आप थोड़े से एक एक सेंटेंस डालेंगे ना दिमाग में, तो आपको कहीं ना कहीं उसका अंतर आंसर खुद ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आपको ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 79। 79 किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, देख लेते हैं वचन का सही प्रयोग कहाँ हुआ होगा। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गया, मेरे होश उड़ गए। तो जी बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी सही, सही उत्तर ये हो जाएगा, क्या है आंसर नंबर डी। यहां पर देखिए मैं होश उड़ गया ये तो गलत है, मेरी होश उड़ गई ये भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जो होश शब्द है वो कैसा है, पुल्लिंग शब्द का है, इसलिए उसका वचन क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा मेरे होश उड़ गए। क्लियर, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 80 क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, बहुत आसान है, बंदूक, बारूद, रिक्शा और लोप। जी तुर्की भाषा, टर्की भाषा, तुर्की आपको पता ही है, तुर्किस्तान, टर्किस्तान है, बहुत कई सारी चीजें फेमस है वहां की। बाबर आया था 1526 में, तुर्की से ही आया था। जी बताइए तो सही उत्तर क्या है इसका। जी सही उत्तर है हमारा इसका रिक्शा, रिक्शा, ठीक है, भूलना नहीं, क्या है रिक्शा। रिक्शा कहाँ का शब्द है, रिक्शा है आपका जापान का, ठीक है। और अभी जापान में क्या चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ओलंपिक चल रहे हैं, ठीक है, ओलंपिक चल रहे हैं, 2020 उसका नाम था। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो बाकी ये शब्द आपको क्लियर हो गए ना। जी आगे बढ़ते हैं, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो बताना है जो मीठा है वो किस तरह का विशेषण है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। देखिए तो लास्ट के तो दो नहीं होंगे, ना तो व्यक्तिवाचक है ना ही संख्यावाचक है, दो चीज है, परिमाण, परिमाण में आपको पता ही है क्या चीज होती है, मीजरमेंट वाली बात की, तो मीजरमेंट वाली है तो यहां पर कोई बात है नहीं। क्लियर, तो अमरूद, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण क्या है, वो उसका गुण है। क्लियर, वो क्या है, उसका गुण है, क्या है, अमरूद तो मीठा ही होगा, क्लियर, चिरपुरा तो नहीं होगा, खट्टा तो नहीं होगा, क्लियर, कड़वा जरूर हो सकता है, पर जो अमरूद की, जो अमरूद कड़वा तो आप खाएंगे नहीं, खाएंगे तो आप मीठा ही, क्लियर, तो इसलिए जो उसका गुण है क्या है, मीठा है। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 82। 82 विशेषण के चार भेदों
के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अच्छा, प्रश्न समझ में आ गया कि देखिए यहां पर विशेषण के चार भेद दिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें से एक मैच नहीं करता है। क्लियर, उसे ही बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। देखिए गुणवाचक सुगंधित, देखिए है ना, गुणवाचक जैसे पीछे मीठा था तो सुगंध भी तो ऐसी हो सकती है ना, कोई खुशबू वाली बात है तो गुण हो गया। परिमाण मीजरमेंट वाली बात आगे तो ढाई आ गया, ढाई मतलब ढाई किलो चावल, ढाई किलो दाल, ठीक है। आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण कोई और सार्वनामिक विशेषण कोई। अब यहां पे देखिए दोनों ही कोई है, पर यहां पे सार्वनामिक विशेषण ये कोई किसी व्यक्ति के लिए है और यहां पे संख्यावाचक में कोई है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कोई नंबर ही नहीं दिया। संख्यावाचक में तो ऐसा है ना, 5 मीटर कपड़ा, 2 किलो चावल है ना, 1 लीटर दूध। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न बड़ा है पर अगर आप समझ के करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आप कभी गलत कर पाएंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 83। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, तो देख लेते हैं सही उदाहरण क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम में। अरे नलायक तू इधर क्या कर रहा है, ठीक है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है। तो देखिए हमको किसकी पहचान करनी है, हमको पहचान करनी है निश्चयवाचक की। तो आपको निश्चयवाचक का बारे में अगर थोड़ा सा आपको पता हो कि वहां पर चीजें क्या होती है, डेफिनेट होती हैं, एकदम एग्जैक्ट किसी चीज के बारे में कुछ बताया जाए। तो यहां पे जो ऑप्शन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 83 का बी ऑप्शन, कैसे कि इस पुस्तक को देखो, तो यानी कि जो पुस्तक है और वो इसकी बात कर रहा है, यानी कि इसको स्पेसिफिक हो गई को देखो कि यह कितनी उपयोगी है, और इस तरह की बात यानी कि निश्चय हो गया ना, इसी को देखो बस, तो यहां पर और कोई इसमें उसको नहीं फिट कर पा रहा है। क्लियर होगी बात। और सर्वनाम के भेद भी यहां पर बता के चलते हैं, बहुत दिन हो गए, बच्चे लोग भूल जाते हैं, हमारे इतने नादान बच्चे हैं, क्या करें, भूल जाते हैं हमारे बच्चे। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, क्या थी कि पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। एक ही सेंटेंस में आप 6 सर्वनाम के भेद याद रख सकते हैं। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 84 पे। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है राकेश, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है। जी राकेश, राकेश क्या होता है आपका, ये भी एक आपका चंद्रमा का क्या है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी। क्लियर, तो राकेश का सही संधि विच्छेद बताना है। राके प्लस ईश गलत एकदम, राक प्लस एश, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश। तो देखेंगे यहां पे जो सही आंसर है आपका राका प्लस ईश, पर यहां पर ये दोनों ही तो गलत हैं, पर अब यहां पे कंफ्यूजन है कि कौन सा आएगा, राका प्लस ईश में कौन सा आएगा। क्लियर, तो राका प्लस ईश में अगर आप देखेंगे तो यानी कि राका का ईश, अब याद ध्यान देना पता लग जाएगा आपको, यहां पे कैसे आप पहचान कर पाएंगे अगर भूल भी जाए तो, आपको इन दोनों का मतलब अगर पता है तो राका का मतलब क्या होता है, राका का मतलब होता है नाइट, ठीक है, और ईश का मतलब क्या होता है गॉड, ठीक है ना, भगवान। तो यानी कि कह रहा है रात का भगवान कौन है, तो रात का भगवान है मून, चंद्रमा। क्लियर, इसलिए हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर आ गया होगा। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 85 पे, कह रहे कि अविकारी शब्द होता है, कौन सा होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कौन सा होता है बताइए, बहुत आसान है, कराया हुआ टॉपिक है। अविकारी शब्द में आप इसको इससे समझिए कि उस पे किसी प्रकार का लिंग का, वचन का, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहते हैं, अव्यय शब्द है ना, वे जो यदि है ना, अन्यथा वगैरह वगैरह कई सारे शब्द हैं, पूरी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है एप्लीकेशन पे, वहां जाके आप देख सकते हैं। क्लियर, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहां पे क्या है वो शब्द,
देखिए बाकी अगर शब्द आप देखें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, तो ये काल और क्या बोलते हैं उसको लिंग के हिसाब से बदल सकते हैं, क्लियर। पर जो अविकारी शब्द होते हैं वो किसी के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए उनको अविकारी ही शब्द कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे अव्यय शब्द। डिटेल में इसकी वीडियो पढ़ा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 पे। 86 क्या कह रहा है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है बताइए। आहा आ गया, और आहा में देखिए क्या है आपका, एक्सक्लेमेशन साइन, निषेधवाचक, विस्मयादि, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। जी बताइए प्रश्न नंबर 86 का क्या हो जाएगा। जी आहा कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा विस्मयावाचक, विस्मयवाचक, ठीक है। भूलेंगे नहीं, इस तरह के प्रश्न लगातार पेपरों में पूछे जा रहे हैं। रिसेंटली अभी मैंने कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखे थे, ठीक है, तो बिल्कुल साधारण सी हिंदी पूछी जा रही है। बट क्या होता है हमारे बच्चे, कुछ लोगों ने जैसे मुझे प्रश्न पत्र दिखाया तो उन्होंने छोटी छोटी गलती कर दी, संज्ञा वाले में दो गलती कर दी। अब उसमें एक प्रश्न था कि जुलाई जुलाई और एक पूछा था जुलाई और सितंबर, हाँ जुलाई और सितंबर मतलब कौन सी संज्ञा है, सिंपल है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्लियर, क्योंकि नाम है स्पेसिफिक। जब किसी का नाम है स्पेसिफिक तो आपको पता होगी, ठीक है, तो वो सब हमारे क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो पता नहीं क्या क्या ढूंढा है वहां पे कुछ एक आधा मासिक संज्ञा दे रखा था, वो उसको लगा के आ गए। तो इस तरह के भी बच्चे लोग गलती कर देते हैं, पता होने के बावजूद भी गलती करना, मतलब पता नहीं क्या नेचर में है बच्चों के। अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 पे। जी देखेंगे, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है, जिन्होंने मैथिली में रचना की है। जी ये प्रश्न थोड़े से एकदम डीप आ जाते हैं जब हिंदी में, तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, तो इन पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, एक आधे प्रश्न ऐसे आ भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 87, तो जो इस तरह के डायरेक्ट होते हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं इनको, ठीक है, तो एज इट इज आते हैं इनको, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैथिली में जो साहित्य सृजन करा था वो कौन थे आपके, विद्यापति, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा कभी देख लीजिए, इनके बारे में थोड़ा सब क्या नहीं, इनके बाद जीवनी पढ़ लीजिए, विद्यापति कौन है, भारतेन्दु कौन है, सरहपाद कौन है, अज्ञेय कौन है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर जीवनी पढ़ लेंगे तो आपको, क्योंकि अब हिंदी से संबंध रखना है आपको, तो इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा, द्रविड़ परिवार की एक भाषा है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। जी प्रश्न नंबर 88, द्रविड़ परिवार की भाषा, तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, उड़िया, बांग्ला और असमिया और कन्नड़। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बच्चे लोग थोड़ा सा समझ लेना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्लियर, चीजों को समझना ही बहुत होता है, क्लियर। तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है कौन सा है, ये वाला, ये आपका प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, जो हिस्सा पानी से तीन जगह से घिरा था, आपको पता है यहाँ पे तीन समुद्र हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर आपका अरब सागर, यहाँ पर आपका हिंद महासागर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो देखिए उड़िया, बंगला और असमिया, देखिए यहाँ पर आपकी ये हो गई ओडिशा, क्लियर, यहाँ पर आपकी ये हो गई बांग्ला, ठीक है, असम में बोली जाती है और असमिया भी वहीं पे बोली जाती है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार, तो मैं आपको बताऊं जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, ये आपका जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा माना जाता है, क्लियर, यहाँ पे जहां पर आपके ये आपके केरल हो गए, चेन और आपका तमिलनाडु हो गया, क्लियर, और ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, ये सब क्या है आपके, ये आप सभी के कर्नाटक हो गए, ये सब क्या आपके द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। तो इसीलिए द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी है, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका में, पता होना चाहिए, कन्नड़, कर्नाटका, मलयालम बताइए, मलयालम कहाँ बोली जाती होगी, मलयालम केरला, ठीक है, और आपको तमिल तो पता ही है क्योंकि वो नाम से ही है, तमिल, तमिलनाडु में। जी अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 पे, कह रहा है शुद्ध वर्तनी पहचानी है, शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, जी बताइए, दीर्घायु, 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 तो लगभग इसमें देखिए मैं बताता हूँ, दो तो गलत हैं, पर आपको इसको सही कैसे पहचान सकते हैं मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, पहले भी बताई थी, तो
तो आप भूलेंगे नहीं। देखिए इसको देखिए, अगर ये शब्द, अगर ये हमको वैसे गलत है ऑप्शन, पर इसको देखेंगे, अगर दीर्घायु लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, तो जो रा, क्योंकि रा की जो साउंड पहले आ रही है तो इसीलिए उसकी जो मात्रा होती है वो अगले ही अक्षर पर आ जाती है, इसलिए क्या बन जाता है वो दीर्घायु। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दर्द, ऐसे लिख दिया, इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको लिखूंगा मैं इस तरह से, क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 पे, क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपका, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। तो देखिए बताता हूं कि दर्शनाभिलाषी, लाषी, भिलाषी जो होता है अभिलाषी वाला शब्द है ना, अभिलाषी है ना, तो इसमें ये वाला षटकोण वाला श आएगा, तो जहां जहां पर नहीं है वहां पर काट देते हैं, कहां कहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो क्लियर आपको दिख गया होगा। ठीक है ना, अभिलाष वाला शब्द याद रखना, किसी चीज की इच्छा करने वाले, क्लियर, तो ऐसे ही दर्शन के लिए अभिलाष होना। ठीक है, चलिए अब कुछ कर लेते हैं, थोड़े से ऐसे शब्द जो कि आपको एक तरह की लिसनिंग एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है, चलिए लिख बताइए मुझे कैसे लिखा जाएगा उत्तराधिकारी, जी उत्तराधिकारी कैसे लिखा जाएगा जरा बताइए, उत्तराधिकारी, ये आपकी दो से तीन मिनट की वो एक चलती रहेगी आपकी लिसनिंग की क्लास, मैं देखना चाहता हूँ किस तरह से बच्चे लिख लेते हैं। ठीक है, उत्तराधिकारी, तो देखिए उत्तराधिकारी, कुछ बच्चे अभी भी गलती लिख रहे हैं, उत्तराधिकारी, ठीक है लिख लीजिए। अगला लिखेंगे, एक अगला शब्द देखेंगे, निर्लज, जी देखिए ये ऐसी कुछ स्पेलिंग्स आती हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं, जी लिखेंगे निर्लज, निर्लज लिखिए, निर्लज, ठीक है सही है एकदम। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे वनस्थली, वनस्थली, जी लिखेंगे फटाफट से वनस्थली, तो वन लिख देंगे और उसमें स्थली जोड़ देंगे, क्लियर, वनस्थली, जहां पर बहुत सारे वन हो वन का स्थली। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला शब्द लिखिए प्रमादी, 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 ठीक है प्रमादी। अगला शब्द लिखेंगे, अगला शब्द लिखेंगे, अगला शब्द है अलौकिक, अ लौकिक, अलौकिक, जब मैं बोल रहा हूं लौ तो लौ ही है, लौ नहीं है, क्लियर, अलौकिक, दो मात्रा आएंगी, औ की मात्रा आएगी। ठीक है, अलौकिक, एक और देखेंगे औपचारिक, औपचारिक, औपचा और ये रिक, क्लियर, लिखते रहिए, बहुत आते हैं ये लगातार। ठीक है, अगला लिखेंगे देवी कृत्य, देवी कृत्य, देवी कृत्य, तीन बार बोल देता हूं कम से कम बच्चा लिख लेंगे, चले लिखते हैं, देवी में पहले देवी लिख लेंगे, पर यहां पे क्या आएगा, डबल मात्रा आएगी, ये बताना था आपको बस। ठीक है, कुछ बच्चे एक लगा रहे होंगे दैवी कृत्य, ठीक है, क्योंकि वो देव वाला नहीं है ना, ये देव या देवी वाला नहीं है, ये देवी कृत्य मतलब वो देवी, दैवीय चीजें जो होती ना उनसे संबंधित। अगला देखेंगे आसक्त, आसक्त, आ लिखा करें बच्चे लोग, आ सख्त, चलो मैं लिख देता हूं,
आसक्त, ठीक है। आसक्त का मतलब जानते हैं आप? आसक्त का मतलब ये होता है जो बुरी तरह प्रेम में फंसा हो, ठीक है। आसक्त मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति से फंसा हुआ हो प्रेम में, भगवान से भी फंसा हो सकता है वो, किसी अपने किसी गुरु से भी फंसा हो सकता है, जो गुरु मानते हैं ना आप किसी को, भगवान रूपी जिनको मानते हैं, ठीक है। तो ये शब्द हमारे कुछ इस तरह के आते रहते हैं बार बार परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो उन पर डिस्कस कर लेते हैं। और ये मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के 4-5-6 शब्द डेली आपको इस तरह के क्लास के बाद एक लिसनिंग एक्टिविटी के रूप में आपका हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।